इंसान और इंसान के बीच की लड़ाई को आपने कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने पक्षियों और इंसानों के बीच युद्ध हुआ हो ऐसा देखा या सुना है? जी हाँ, पक्षियों और इंसानों के बीच युद्ध। ये रोचक घटना साल 1932 की है, जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हुए बिना नहीं रहता। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवानिवृत्त हुए कुछ सैनिकों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए जमीनें दी गई थी। ये जमीनें ज्यादातर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में थी। अब सैनिक यहाँ किसान बन गए और अपनी अपनी जमीनों पर खेती करने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी फसलों पर विशालकाय जंगली पक्षी एमू का हमला हो गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन पक्षियों की संख्या 2-4 नहीं बल्कि 20,000 के करीब थी। एमू का झुंड आता और किसानों की फसलों को बर्बाद करके चला जाता। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खेतों की रक्षा के लिए जो फेंसिंग लगाई थी उसे भी इन पक्षियों ने तोड़ दिया था। जब ऐसा अक्सर होने लगा तो किसान बने सैनिकों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसानों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी भेजी। वो 2 नवंबर 1932 का दिन था। सरकार द्वारा भेजी गई सेना ने एमओ को भगाने वाला ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें एक जगह पर 50 एमओ का झुंड दिखा, लेकिन जब तक वो मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक उन पक्षियों का झुंड ये समझ गया कि उन पर हमला होने वाला है और वो वहाँ तेजी से भाग निकला और मशीन गन की रेंज से दूर हो गया। 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 एमओ का एक झुंड देखा और वो उन पर अभी फायर करने ही वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई। जब तक मशीन गन ठीक हो पाती तब तक अधिकतर एमओ वहां से भाग गए थे। हालांकि फिर भी सैनिकों ने करीब 12 एमओ को मार गिराया था, लेकिन इस घटना के बाद से एमओ काफी सतर्क हो गए थे। कहा जाता है कि एमओ ने अब सैनिकों के हमलों से बचने के लिए खुद को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया था और हर समूह में एक एमओ निगरानी के काम में लगा रहता था ताकि उन पर हमला ना हो या हमला होने से पहले ही वो बाकियों को सतर्क कर दे, जिससे सभी वहां से भाग निकले। इस दौरान वो फसलों को खूब बर्बाद करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता कि उन पर हमला होने वाला है तो वो वहां से भाग निकलते थे। कहा जाता है कि करीब 6 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सैनिकों द्वारा करीब 2500 राउंड फायर किए गए थे, लेकिन 20,000 एमओ में से मुश्किल से 50 को ही मारने में वो सफल हो पाए थे। बाद में जब इन घटनाओं पर मीडिया की नजर पड़ी तो पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई और सरकार की आलोचना होने लगी। आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर एमओ के हमले काफी तेज हो गए तो एक बार फिर 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी एमओ ने सैनिकों को खूब छकाया और उन्हें हारने और वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि सेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मर्थिड ने कहा था कि अगर उनके पास भी एमओ पक्षियों की एक डिवीजन होती और वो गोली चला सकते तो वो दुनिया की किसी भी मिलिट्री का सामना कर सकते थे। इस घटना को एमओ वॉर या द ग्रेट एमओ वॉर के नाम से जाना जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।